अगर आप गुलाब की खेती करना चाहते हो तो आइए जानिए कौन से गुलाब की क्या खासियत है। देसी गौरान गुलाब, कश्मीरी गुलाब या पस्ता गुलाब। तो जल्दी से देखते हैं पहले देसी गुलाब। देसी गुलाब देसी प्लांटेशन के लिए बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग लगते ही प्लांट उगना शुरू हो जाता है, इसका मेंटेनेंस भी कम है। देसी गुलाब की खुशबू सबसे ज्यादा होती है। हवा के साथ इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। देसी गुलाब से गुलकंद बनता है जो बहुत बिकता है। तो अब जानते हैं कश्मीरी गुलाब के बारे में। कश्मीरी गुलाब फीके रंग का होता है, अन्य गुलाब से थोड़ा सा अलग और अट्रैक्टिव रंग का। पूरे भारत में ये गुलाब काफी बिकता है। इसका प्लांट काफी जल्दी ग्रो करता है और इसको बहुत सारे फूल आते हैं। तो अब जानते हैं पस्ता गुलाब के बारे में। पस्ता गुलाब का रंग काफी गहरा लाल होता है। इसके प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इसको कटाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्लांट किसी भी अन्य गुलाब से ज्यादा फूल देता है, वो भी बंच में। ये गुलाब 24 से 26 दिनों तक गिरता नहीं है। इसकी प्रसिद्धता पूरे भारत में बहुत तेजी से हो रही है।